ओके, तो आप इस वीडियो पे देखने वाले हैं कि ABS पुराने वाले NS में कैसे लगाएंगे और जो दो तीन महीना पहले ले लिए उसमें कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ सिर्फ बताने वाला हूँ कैसे, तो मैं करके नहीं जान लूँ क्योंकि अभी तक ABS मतलब पता नहीं यार मिलता नहीं है ABS अलग से। तो इसमें मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन सा वेज, कौन सा वायरिंग, किसका क्या क्या कैसा, कौन सा किट, कौन सा मोटर, कैसे क्या चेंज करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल करने वाला नहीं, सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या आपको करना पड़ेगा ABS इंस्टॉल करने के लिए, कौन सा NS ओल्ड में और न्यू में। सो देखिए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा मैंने आई थिंक 3 या 4 दिन हो गया है कि पल्सर NS 200 ABS में आया है और मैंने उसका वीडियो बना के अपलोड किया, लेकिन बहुत सारे पब्लिक इतने कमेंट कर रहे कि उसका आंसर भी मतलब सबको सेम ही आंसर करना पड़ रहा। तो इससे अच्छा मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि जो ओल्ड पल्सर NS है 200 या जिसने 3-4 महीना या 6 महीना पहले NS लिया हो या अभी रिसेंटली लिया हो और अभी अचानक से ABS वाला आ गया NS, तो जो जिसने NS ABS वाला ले लिया है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनके पास NS ABS वाला नहीं है वो बहुत कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं क्या। तो उनके लिए ये वीडियो है खास करके। तो अभी सबसे पहले जिसके पास NS ओल्ड वाला है पहले वाला और उनको ABS लगाना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए। सबसे पहले ABS NS में आगे पीछे दोनों दिया, लेकिन पीछे स्पीडोमीटर के लिए काम करता है और आगे जो दिया है सिर्फ आगे का ABS काम करता है, लेकिन आगे दोनों पीछे आगे पीछे दोनों में दिया है। इसके लिए आपको आगे का शॉक ऑब्जर जिससे डिस्क ब्रेक रहता है वो शॉक ऑब्जर का पाइप जो होता है वो चेंज करना पड़ेगा जिसमें शॉक ऑब्जर ज़्यादा है, या फिर अगर वो पाइप नहीं मिला तो पूरा फोर्क चेंज करना पड़ेगा ABS के लिए आगे ओल्ड वाली NS में। ओके, इसके बाद वो हाँ फोर्क हो गया, व्हील हो गया, क्योंकि व्हील में वो ABS अटैच है डिस्क ब्रेक के साथ, वो मैं पूरा देख के आपको बता रहा हूँ। फोर्क में शॉक ऑब्जर में डिस्क ब्रेक का लगाने का दिया रहेगा, उसमें जिसमें डिस्क ब्रेक भी रहता है और ABS का रहता है उसके बाजू में। और सबसे बड़ा ओल्ड वाले का पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, पूरा ABS वाला वायरिंग लगाना पड़ेगा। और पीछे के लिए आपको जिसमें देखिए कैंची में डिस्क ब्रेक का जो कैलिबर है वो कैलिबर का ब्रैकेट है उसमें छेद रहता है, वो छेद में स्पीडोमीटर का सेंसर लगा हुआ है जो ABS को स्कैन करता है, जिसकी वजह से स्पीडोमीटर का काम करता है, ऐसा है तो वो करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको शायद से पीछे का डिस्क ब्रेक का कैलिबर भी लेना पड़ेगा बाकी, और हाँ व्हील भी लेना पड़ेगा। व्हील में भी पूरा छेद है जिसमें डिस्क ब्रेक और वो स्पीड और वो ABS का सेंसर मतलब ABS का सर्कल वाला वो लगा हुआ है। तो पीछे का व्हील, आगे का व्हील, आगे का फोर्क, पीछे का डिस्क ब्रेक के कैलिबर का ब्रैकेट, ये तीन हो गया। फोर दोनों व्हील, गाड़ी का फुल वायरिंग, पीछे का डिस्क ब्रेक का कैलिबर का ब्रैकेट और ABS मोटर और ABS का पूरा किट लेना पड़ेगा आपको। ये कुछ 5 चीज़ें हैं ABS का मोटर अंदर मोटर होता है ABS का। ओके, तो पूरा मोटर ले आपको मोटर सेट लेना पड़ेगा, मतलब वो ABS के किट में आ जाएगा आपको, तो ABS का पूरा किट लेना पड़ेगा। तो ये सब था ओल्ड वाले के लिए। अभी सुनिए जो 2-3 महीना पहले ले चुके हैं जिसमें ABS का दिया हुआ है पॉइंट जहाँ पे आप ABS लगा सकते हैं, आगे पीछे दोनों दिया है पॉइंट दिया है। NS 2-3 महीना पहले ले लिया है तो अभी वो क्या कर सकते हैं, वो भी ABS लगा सकते हैं, लेकिन उनको वायरिंग चेक करना पड़ेगा कि उनका वायरिंग ABS वाला है या नहीं, उसमें ABS का वायरिंग दिया है कि नहीं। अगर ABS का वायरिंग दिया है तो कुछ आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ ABS लेना है, ABS का मोटर वाला पूरा किट आगे पीछे और इंस्टॉल कर देना है, बस वायरिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो मेन इसमें वायरिंग का काम है, ओल्ड NS के लिए पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा और जो न्यू वाला है उसको वायरिंग, अगर उसका वायरिंग दिया है ये मुझे भी नहीं पता है, जिस मैकेनिक ने मुझे बताया उसने मुझे NS खोला नहीं क्योंकि अभी आया और इतना जल्दी NS खोला नहीं, तो देखना पड़ेगा अगर NS में न्यू वाले NS में जो जिसमें ABS नहीं है उसमें ABS का वायरिंग दिया हुआ है, ये आपको सिर्फ ABS का किट लेके डाल देना है तो आराम से आप ये कर सकते हो। बस इतना ही जानकारी मिला है मुझे अभी तक, और आपको और कुछ जानना हो या और आप कुछ जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं भी उसको जान पाऊँ, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मैसेज करते हैं मैं उनको बताऊँ कि ऐसा ऐसा होता है।
तो बस अभी के लिए बस इतना ही। पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का घंटा दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी आपके लिए बाय बाय। और कुछ बोल दिया हो मैं कुछ गलत तो प्लीज़ आप उसको बता दें और उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाय बाय।